इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वाले ओडीआई टीम के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है वहीं ट्विटर पर हैश टैग कैस्टेस्ट ट्रेंड कर रहा है जिसमें यूजर्स लिख रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है यूजर्स इसको काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं इसमें दिखाया गया है की यूजर्स ये कह रहे हैं की न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने शतक लगाया है उन्हें आप कैसे बाहर कर सकते हैं हंसराज मीना ने लिखा है की दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव को बांग्लादेश खिलाफ भारतीय टीम ऐसी बाहर रखना बीसीसीआई भेदभाव कर रही है आपको क्या लगता है क्या बीसीसीआई को कदम उठाना चाहिए और सूर्य कुमार को रखना चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं